हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड एंजॉयिंग लाइफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज़ में आज हम एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन यह है बहुत इम्पॉर्टेंट। क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये जो इंटरप्रिटेशन हम बार बार बोलते हैं, इसमें और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स में फ़र्क क्या है? हम कई बार इन दोनों ही टर्म्स को बिल्कुल सेम मीनिंग की तरह ही समझ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन की जगह कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन की जगह इंटरप्रिटेशन का, और सोचते हैं कि हमारा सही है। लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं, सेम नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, मैंने फटाफट कर लेंगे। तो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। अगर हम देखें इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं, इन दोनों के पीछे क्या इंटेंशन है, तो सबसे पहला क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या करता है, जो हमने स्टैट्यूट या जो लेजिस्लेचर है, जो नियम बना हुआ है, उसके शब्दों के पीछे जाता है। ठीक है, हम ये बहुत बार कर चुके हैं। उसके शब्दों को पकड़ता है, शब्दों का मतलब निकालता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे लेजिस्लेचर जो नियम है, उसकी स्पिरिट, उसका इंटेंशन, उसकी जो बेसिक कारण है उसको लाने का, उसको देखता है। ये लेजिस्लेचर, ये लॉ क्यों लाया गया, इसका क्या पर्पस था, ये देखेगा। अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट है कि वो किसी भी लॉ से एम्बिग्विटी जो है वो हटाता है और इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं लगती। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये सब्सिडियरी रूल्स बनाता है, ऐसे नियम भी बनाता है जो आगे के जो केसेस आने वाले हैं उनमें मदद करे। क्यों? क्योंकि ये शब्दों को नया मीनिंग देता है। जब शब्दों को हमने डिक्शनरी से ही देखना है तो एक ही मतलब निकलेगा, लेकिन अगर हमें अपनी ओपिनियन देनी है, हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो ये आगे आने वाले केसेस के लिए रूल बन जाता है। अब इंटरप्रिटेशन का अगला क्या है, लीगल इफेक्ट। इसमें कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान नहीं रखना होता हमें, इसमें हम उसको नहीं सोचेंगे, इसमें हम सिर्फ शब्दों के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद होगा, एक केस हमने पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे की नाक काट ली थी। अब क्योंकि वो दांत से काटी थी तो उसे सज़ा भी नहीं हुई। सज़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने नाक से काटी थी और जो हमारा लॉ बना हुआ था उसमें सिर्फ चाकू और वेपन का इस्तेमाल लिखा था। तो क्या ये जस्टिस हुआ था? तो यहाँ पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को हम इंटरप्रिटेशन में तो नहीं देखते, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमें उन्हें देखना पड़ता है। रिलेशन विथ वर्ड्स, इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली शब्दों से डील करता है और उसी का मतलब देखता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वो हर केस को देखता है, उसके सर्कमस्टांसेस देखता है, केस के जो फैक्ट्स हैं उनको देखता है, और उसके बाद ही तय करता है कि क्या डिसीजन होगा। दोनों के स्कोप में भी फ़र्क है। स्कोप क्या है? इंटरप्रिटेशन जो है वो वर्ड्स का सीधा सीधा मतलब एक्सप्लेन कर देता है कि इस शब्द का ये मतलब है और इसलिए मैंने इसको ऐसे ऐसे लागू किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या है, शब्दों का अगर वो मतलब सही नहीं लग रहा है तो हम इसको डिस्कवर करते हैं, हम इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपना पूरा दिमाग लगाते हैं कि किस किस तरह से इस शब्द को यूज़ किया जा सकता था। जब लॉ बनाया तो लॉ बनाने वालों के दिमाग में ऐसा क्या रहा होगा कि उन्होंने इस नियम को बनाया। ठीक है, अगला क्या है, डेफिनेशन। दोनों की डेफिनेशन में भी फ़र्क है। इंटरप्रिटेशन क्या है, मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट, सिंपल जो लिखा है उसका मतलब। कंस्ट्रक्शन क्या है, फाइंडिंग द इंटेंट ऑफ द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को लाने का कारण। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, किस कारण से वो लाया गया है, उसका क्या निर्णय है, उसका क्या नतीजा होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। इन दोनों का एप्लीकेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन, हम जब हमारे स्टैट्यूट का मतलब क्लियर है, जो शब्द लिखे हैं वो एकदम साफ सुथरे हैं, कोई उसमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, एम्बिग्विटी है ही नहीं, तो जब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है तो हम इंटरप्रिटेशन यूज़ करेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, एब्सर्ड है, नतीजा जो है वो अजीब सा निकल के आ रहा है, साधारण नहीं है, एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जो शब्दों का मतलब है हम उसको लागू कर देते हैं, जो शब्द हमें पता है हम उसी को लागू कर देंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन में हम कंक्लूजन भी सोचेंगे, उसका नतीजा भी देखेंगे, फैक्ट्स भी देखेंगे, और उसके बाद एनालाइज करके हम उस शब्द का मतलब निकालेंगे। वो शब्द का मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी मतलब से थोड़ा अलग हो सकता है। नेचर क्या है, इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ब्रॉड है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज़ रेफर कर लेता है, और कंस्ट्रक्शन का लिमिटेड तरीका है कि वो उस शब्द के असली मीनिंग को ढूंढता है, और जब तक वो नहीं ढूंढता कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता। एग्जिस्टेंस इंटरप्रिटेशन, शुरू से जब से लैंग्वेज बनी है तब से इंटरप्रिटेशन चली रहा होगा। लैंग्वेज बनी,
लोगों ने उसे इंटरप्रेट करा और एज इट इज उसे लागू कर दिया। कंस्ट्रक्शन जो है ये थोड़ा सा नया है, शुरू जब इतना पुराना नहीं है जितना लैंग्वेज है। 16th century के तो हमने बहुत सारे देखे थे जो हमारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आए थे, तो ये कंपेरेटिवली नया है। 16th century में इसका एवोल्यूशन हुआ और तब से ये बढ़ता ही जा रहा है और हमारे लीगल जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसको और बढ़ा रहे हैं, विजनरीज हो रहे हैं वो। फंक्शन क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब जो लिखा हुआ है उसका सिंपल मतलब बता दें, जनरल मतलब जो ऑर्डिनरी मतलब है जो लोग उसे जिस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में उसके अंदर से हमें छिपा हुआ मतलब निकालना है, छिपा हुआ जो उसका कारण है जिस वजह से नियम बनाया गया था वो ढूंढना है, उसका उद्देश्य ढूंढना है। जब तक हमें उद्देश्य नहीं मिलेगा, किसी भी स्टैट्यूट का रीज़न नहीं मिलेगा, हम उसको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक नुकसान भी है, पावर ऑफ जुडिशियरी। इंटरप्रिटेशन में पावर जो है जुडिशियरी की वो मतलब को बनाने के ही लिए है, वो उतना ही समझेंगे, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में वो उन शब्दों के आगे भी देख सकता है, इसका नेगेटिव भी है। वो अगर उसको लिमिटेड मीनिंग है तो इसका मतलब हमने पार्लियामेंट को ज़्यादा ताकत दी है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इंटरप्रिटेशन में पार्लियामेंट की जो पावर है, जो उसने लिखा है, हम बिल्कुल वैसे ही उसे लागू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, उसकी पावर मुझे लगता है कुछ कम हो जाती है, क्योंकि जुडिशियरी उस लॉ को अपने हिसाब से मोल्ड करती है, अपने हिसाब से अपनी आँखों से देखती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने कोई नियम किसी इंटेंशन से बनाया हो, लेकिन जज ने उसे अपने मन के हिसाब से दे दिया उसका निर्णय। तो यहाँ पर जो लॉ बनाया गया था उससे ज़्यादा पावर हमने जुडिशियरी को दे दी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों पिलर्स हैं, एक तरह से जो इंटरप्रिटेशन में वो तीनों पिलर्स अलग अलग रहते हैं। कंस्ट्रक्शन में जुडिशियरी थोड़ा सा, जो हमारा पहला लेजिस्लेशन वाला पिलर था, नियम बनाने वाला पिलर था, थोड़ा सा उसमें हिस्सा ले लेती है। क्लियर है ये सारे डिफरेंसेस? तो मेरे ख्याल से आपको इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप इंटरप्रिटेशन की जगह इंटरप्रिटेशन शब्द का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का। देखा आपने, दोनों सेम नहीं है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं कुछ अलग अलग केसेस में। CWT वर्सेस एच बेगम 1989 का केस है, इंडिया का केस है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? द वेरी कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कनोट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर नेसेसरली एक्सट्रिंसिक टू द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट। हालत इसका मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि शब्द जो दिए हुए हैं उनसे मिलता जुलता कुछ मतलब निकालना, लेकिन वो शब्दों पर ही होना चाहिए। तो हालांकि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन आर यूज इंटरचेंजेबली, कई बार हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को इंटरचेंज करके यूज़ कर देते हैं, लेकिन असली में ये दोनों अलग हैं, इनका आइडिया थोड़ा बहुत अलग है। इंटरप्रिटेशन वर्ड से ज़्यादा डील करता है और कंस्ट्रक्शन मीनिंग से। ये एक इंडिया के बाहर का केस है, फैशन फैब्रिक्स ऑफ योवा वर्सेज रिटेल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये 1978 का केस है। इसमें कहा गया था कि इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो वर्ड्स हैं उसको ही एसर्टन करता है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ता है और उन्हीं को ही समझता है, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका लीगल इफेक्ट, उसका क्या असर पड़ेगा लॉ के ऊपर, न्याय होगा या नहीं होगा, उसको भी देखता है। तो इसी से ही हमें समझ में आ जाता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में कुछ फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई ऐसे टॉपिक्स हो जिसके बारे में आप स्लाइड बनवाना चाहते हो, वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो आपको ये चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई पढ़ना चाहता है इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। So keep sharing this video, because knowledge is fun only when it is shared with everyone. Thank you, friends.